हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ओप्पो के स्मार्ट बैंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो ने हाल ही में एक स्मार्ट बैंड लॉन्च किया है जो बहुत ज़बरदस्त और काफ़ी यूजफुल होने वाला है हमारी डेली रूटीन लाइफ के साथ। सो दोस्तों वीडियो के साथ जुड़े रहिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो गाइज ये है ओप्पो का बैंड स्टाइल मॉडल। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में ये मॉडल लॉन्च हुआ था, और दोस्तों यहाँ पे आपको ओप्पो बैंड स्टाइल मॉडल का नाम मिल जाएगा देखने को। और दोस्तों दूसरी बात करें, यहाँ पे आपको मिल रहा है 1.1 इंच का एमोलेडी स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, देन यहाँ पे 2 इजी स्विच व्रिस्ट बैंड स्टाइल, या इसमें दोस्तों इनके अंदर है ना आपको दो टाइप के व्रिस्ट बैंड मिलने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। बाकी अनबॉक्सिंग करने के बाद हमें पता चल ही जाएगा। एंड देन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है वो दोस्तों कंटिन्यू एसपी ऑटो मॉनिटरिंग, जो अभी ये सिचुएशन में COVID-19 की सिचुएशन में सबसे ज़्यादा दोस्तों यूजफुल होने वाली है। एंड देन दोस्तों रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटरिंग जो ऑलमोस्ट हर एक स्मार्ट बैंड में अभी अवेलेबल है। 12 वर्कआउट मोड है। एंड दोस्तों यहाँ पे मेजरमेंट की बात करें वाटर रेजिस्टेंसेस, तो यहाँ पे 50 मीटर यानी आप नॉर्मली स्विमिंग पूल में जाते समय इसको यूज़ कर सकते हो। सो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इसको कर देते हैं अनबॉक्सिंग। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा सेफ्टी गाइड यहाँ पे दिया हुआ है ओप्पो की ओर से। दूसरा ओप्पो बैंड स्टाइल का क्विक यूज़र मैनुअल गाइड है कि यहाँ पे कैसे इनको यूज़ करना है, तो इनको दोस्तों कर देते हैं हम। यहाँ पे आपको मिल रहा है एक अलग से कंटेंट। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम वॉच को दोस्तों थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले हम इसका कंटेंट देख लें कि यहाँ पे और क्या क्या आपको मिलने वाला है। सो दोस्तों यहाँ पे हम जैसे इनके चार्जिंग कनेक्टर की बात करें, वाओ दोस्तों ये मतलब काफ़ी अलग टाइप का है, पूरा मतलब केस टाइप दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आई थिंक सिंपली ऐसे इसको प्रेस करके रख देना है, और पीछे इसका डिटेल्स वगैरह लिखा है सीरियल नंबर से। ओके दोस्तों, यूएसबी से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, सो इसको भी हम रख देते हैं साइड में। दोस्तों दो बेल्ट यहाँ पे, जैसे हमने पहले पढ़ा था बाहर की, ये क्लासिक टाइप एक बेल्ट है जो आई थिंक हर एक मॉडल में आता है ये। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरा बैंड मिल रहा है, वो काफ़ी दोस्तों दिखने में मेरे को स्टील टाइप दिख रहा है दोस्तों। चलो उसको भी हम देख ही लेते हैं। और तो कुछ है नहीं, ये मतलब दवाई वगैरह जैसा कुछ है। ओके दोस्तों, इनको कर देते हैं सबको साइड में। अब दोस्तों आते हैं अपनी मेन प्रोडक्ट की ओर। तो यहाँ पे दोस्तों ये मतलब मटेरियल काफ़ी अच्छा सा दिया हुआ है, मतलब काफ़ी दोस्तों स्मूथ है। आपको इसको 360 डिग्री जैसे मोड़ के भी देखोगे ना, काफ़ी सिलिकॉन टाइप यहाँ पे बेल्ट दिया हुआ है, और काफ़ी बेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों इनको अनबॉक्सिंग करते हैं अपनी वॉच को। वाओ दोस्तों, पीछे से मतलब ऐसे सीरामिक है, वैसे एक्चुअली फाइबर बॉडी है, बट यहाँ पे सीरामिक टैग आपको लुक देखने को मिल जाएगा। एंड देन दोस्तों वाओ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब जो इनका एकदम कैप्सूल है वो ओप्पो का, यहाँ पे आपको ब्रांडिंग दिख रहा होगा, ओप्पो का ब्रांडिंग है, कैप्सूल है। और दोस्तों जैसे बेल्ट आप देखोगे तो काफ़ी बेस्ट लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, और मेन इनका जो ये न्यू स्टाइल वाला बैंड है वो काफ़ी अलग है। यहाँ पे पूरा मतलब आपको एक फ्रेम मिल रहा है मेटल जैसा, और यहाँ से थोड़ा मतलब आई थिंक ये गर्ल्स के लिए तो और फीमेल्स के लिए काफ़ी बेस्ट है। और दोस्तों दूसरी बात कर दे कि यहाँ पे इनका नीचे आपको सेंसर्स दिए हुए हैं, चार्जिंग कनेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों इसको अनलॉक कैसे करते हैं बाहर, हाँ ऐसे खाली पुश डाउन करना है। ओके सो दोस्तों फाइनली ये है अपनी कैप्सूल। जी हाँ, ये दोस्तों आप देख सकते हो ये अपनी ओप्पो की कैप्सूल है, और ये फाइनली इसका लुक। और दोस्तों ये इनका दूसरा बैंड। सो आई थिंक दोस्तों ये मेरे ख्याल से काफ़ी बेस्ट चीज़ है, यहाँ पे आपको दो बेल्ट मिल रहे हैं। सो दोस्तों अनबॉक्सिंग के बाद हम फ्यूचर्स की बात करने वाले थे। तो दोस्तों फ्यूचर्स में सबसे बढ़िया और सबसे बेनिफिशियल वाला, यानी कि सबसे बेनिफिट होने वाला आपको फ्यूचर्स यहाँ पे मिल रहा है SpO2 मॉनिटरिंग। जी हाँ दोस्तों, हालांकि SpO2 मॉनिटरिंग यानी कि आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल मेजरमेंट का जो मशीन रहता है वो मार्केट में 3,000 to 4,000 रुपीज़ में बिक रहा है एक्यूरेंसी वाला। सो दोस्तों यहाँ पे उससे कम बजट में एक आपको पर्सनल हेल्थ ट्रैकर आपको मिल रहा है, जिसमें आप SpO2 भी यूज़ कर पाओगे। सो दोस्तों सिंपली इसमें क्या ऐसा फ्यूचर्स है कि यहाँ पे आप अगर रात को भी अगर सोए हो, आपकी डिप स्लिप कितनी है, अनस्टेबल स्लिप कितनी है, सो वो हर एक चीज़ का मेजरमेंट रात को अगर आपका ब्लड ऑक्सीजन मीटर्स जो भी काउंट करता रहता है, लाइक जैसे मान लीजिए रात का आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल कम हुआ तो वो इंडिकेट करेगा, ज़्यादा हुआ तो भी इंडिकेट करेगा। सो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ बैंड। एंड दोस्तों दूसरी बात करें तो कंटिन्यूटली ये आपका SpO2 मॉनिटरिंग करता रहेगा, यानी कि आपको पूरा दिन पूरी रात जब भी आपने बैंड को वेयर किया हुआ है तब भी वो आपको इंडिकेट करता रहेगा कि आपका कितना ब्लड ऑक्सीजन लेवल है।
सो दोस्तों दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरा भी काफ़ी बेहतरीन पार्ट है, वो है AMOLED स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको 1.1 इंच का कलरफुल AMOLED स्क्रीन मिल रहा है, जो दोस्तों काफ़ी बेटर होने वाला है। बिकॉज AMOLED स्क्रीन वाली अगर बैंड आपको मिल रही है तो बेटर आउटडोर विजिबिलिटी मिल जाएगी, कलर्स ब्राइट बिगर एंड दोस्तों ब्यूटीफुल कलर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिर दोस्तों इसमें बात करते हैं कि कंटिन्यू HR मॉनिटरिंग। जी हाँ दोस्तों, HR मॉनिटरिंग बेसिकली हर एक ब्रांड में अवेलेबल है, जितनी भी स्मार्ट बैंड आ रही है हर एक ब्रांड की, उन सब में HR मॉनिटरिंग तो है दोस्तों। सो इट्स ओके, उनके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वो यूनिक फ्यूचर में अभी नहीं काउंट होता है क्योंकि वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन जैसे हमने अनबॉक्सिंग के टाइम पे देखा था कि यहाँ पे आपको 2 स्ट्रैप मिल रहे हैं, एक मेटल फ्रेमिंग वाला और एक क्लासिक में। सो मेल एंड फीमेल बोथ साइड, दोनों साइड से वो यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी काफ़ी बेहतरीन है और लुक लाइक मटेरियल भी इतना अच्छा दिया है कि आपको मतलब पता नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पे कोई मतलब हाथों में आपने विस्ट पे कुछ पहना हुआ है। सो ये भी एक अच्छी बात है कि काफ़ी हद तक इसको लाइट वेट बनाया गया है। सो दोस्तों यहाँ पे आपको 40 प्लस वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, विथ कस्टमाइजिंग वॉच फेसेस। जी हाँ, एंड देन दोस्तों इसके मैं स्ट्रैप की बात कर दूँ तो यहाँ पे आपको 2 टाइप के स्ट्रैप मिलने वाले हैं। जैसे अनबॉक्सिंग में देखा कि एक मेटल फ्रेम स्टाइल बैंड आपको मिल जाएगा, दूसरा उसमें आपको मिलने वाला है क्लासिक। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद कलर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे वैनिला एंड ब्लैक कलर में अवेलेबल रहेगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वर्कआउट मोड में 11 से भी ज़्यादा फैट बर्न रन मोड आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बैटरी लाइफ की बात करें तो यहाँ पे आपको 12 डेज का बैटरी लाइफ मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे 100 mAh का आपको यहाँ पे बैटरी पावर मिल रहा है। सो दोस्तों उसके बाद काफ़ी सारे मतलब ऐसे यूनिक फ्यूचर्स है, जैसे गेट रिमाइंडर हो गया, 5 ATM वाटर रेजिस्टेंस हो गया, तो ऐसे यूनिक फ्यूचर्स जो अभी तो ऑलमोस्ट हर बैंड में आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे प्राइस की बात करें तो ये मात्र आपको 2799 यानी 2799 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। सो दोस्तों अगर आप ये परचेस करना चाहते हो तो आप नज़दीकी स्टोर से परचेस कर सकते हो। तब तक के लिए दोस्तों स्टे ट्यून्ड।